आजा आजा बाहर आजा बाहर आजा। उत्तरी कौन है यार, ये म्यूटेंट है भाई ये तो। एक सेकंड, तेरी ऐसी की तैसी निकल साले। ओ ओ, ओ उत्तरी आजा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं सन्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो भाई लास्ट एपिसोड में ना हमने एक गन ले ली थी, जो कि भाई हमें बड़ी मुश्किल से मिली थी पानी के बीचों बीच एक राफ्ट में तैरती हुई। और हमने इस जंगल को भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर करके भी देखा था और बड़ी मुश्किल से ही भाई आदमखोर लोगों से बचे थे। मतलब भाई उन्होंने ऑलमोस्ट हमारे बेस पे अटैक कर ही दिया था, वो तो भाई मेरी पिस्टल की वजह से मैं बच गया था। और मुझे ऐसा लगता भाई फिर से मेरे बेस पे हमला हो सकता है, क्योंकि सामने देखो भाई एक और आदमखोर घूमने लग रहा है। लेकिन नहीं भाई, इस बार मैं पहले इसका खेल खत्म कर दूंगा मेरे ऊपर ही लगा उससे पहले। और ये ना भाई मेरे केविन की तरफ जा रहा है। लेकिन एक सेकंड, हेडशॉट, एक ही मैं ये टपक गया से, तो इसकी डेड बॉडी को मैं उठा लेता हूँ। ऑलराइट, और भी ज्यादा मेरे ऊपर हमला हो सकता है। और भाई साथ ही मैंने बोला था कि मैं अपना बेस कंप्लीट कर दूंगा। वैसे स्ट्रक्चर तो भाई मैंने लास्ट एपिसोड में बना दिया था, लेकिन मैंने ऑफलाइन खेल के भाई इसके चारों तरफ चार चार की एक वॉल लगाने की कोशिश की थी। लेकिन भाई अभी भी इसके अंदर काफी ज्यादा काम करना बाकी है। लेकिन कोई नहीं भाई, वो तो मैं बाद में कर दूंगा। फिलहाल तो इसकी डेड बॉडी को मैं ऐसा करता हूँ, इस वाली आग के ऊपर फेंक देता हूँ। और भाई मैंने इसको आग पे इसलिए फेंका क्योंकि ये जल जाएगा ना, तो इससे मुझे हड्डियां मिल जाएंगी और उन हड्डियों से भाई मैं अपने लिए आर्मर वगैरह बना पाऊंगा। और मेरे बेस में भाई कभी भी अटैक हो सकता है, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा संभल के रहना पड़ता है। एक बार मैं अपनी गोलियां भी चेक कर लेता भाई मेरे पास गोलियां कितनी है। और एक और बंदा आ चुका भाई अटैक करने के लिए। लेकिन एक सेकंड, उत्तरी भाई ये किधर भागने लग रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना गन से नहीं मारने वाला, इसको मैं ऐसा करता हूँ इस बार बो से मारूंगा। और वो ना भाई उस तीन पैरों वाली लड़की का पीछा कर रहा है। लेकिन एक सेकंड, मेरे रहते भाई वो उसको नहीं मार पाएगा। लेकिन भाई मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन है, तो मैं ऐसा करता हूँ मेरे पास ना थोड़ा बहुत कुक मीट पड़ा हुआ है, मैं पहले तो भाई उसको खा लेता हूँ। लेकिन नहीं यार, ये तो सड़ चुका है भाई, मुझे फ्रेश मीट की जरूरत पड़ने वाली है। भाई मैंने बहुत ज्यादा टाइम से इसको रखा हुआ था, तो ये सारा का सारा मीट खराब हो चुका है। और ये देखो भाई, यहाँ से मुझे काफी ज्यादा हड्डियां मिल चुकी है, और ये हड्डियां ना भाई मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली। तो ठीक है, पहले तो भाई सारी की सारी हड्डियों को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सारी की सारी हड्डियां मैंने कलेक्ट कर ली। और ये देखो भाई कैसे थक के बैठ चुका है। लेकिन भाई तू थक मत, मेरे लिए ऐसा कर तू और बहुत सारे लॉक्स लेके आ जा। और मेरा उतरी हमला हो चुका मेरे ऊपर। लेकिन साले भाई इसने इतनी जल्दी क्यों मार दिया मुझे। भाई मैं केविन से बात करने लग रहा था, भाई ये पीछे से आ गया यार। पहले भाई मुझे अपनी रस्सियों को काट के फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भाई मुझे पानी के अंदर फेंक दिया है किसी पत्थर से बांध के। और यहाँ से मैं निकल के मुझे सबसे पहले अपना सामान लेना पड़ेगा, जो कि भाई किनारे पे पड़ा हुआ है। नहीं यार, वो वहां पे पड़ा हुआ है, तो ठीक है मैं वहां से ले लेता हूँ। और भाई मेरे बेस को ये ना तोड़ दे भाई, पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी रेड क्यों कर रहे हैं ये इस बार। पहले तो भाई काफी ज्यादा टाइम बाद आते थे। लेकिन पहले भाई मुझे अपना सामान लेने दो, उसके बाद ही मैं इनको मजा चखाने वाला हूँ। और मेरा सारा का सारा सामान मुझे मिल चुका है, ठीक है। और गन ले लेता हूँ मैं हाथ में, और भाई अब देखता हूँ कौन मेरे आगे ज्यादा बोलने की कोशिश करता है। और मुझे ऐसा लगता है भाई मेरे ऊपर हमला करके ना वो यहाँ से जा चुके हैं, और भाई मेरे बेस को भी तोड़ के जा चुके। और ये किसका खून है भाई। लेकिन एक सेकंड, ऐसा कर दो, पहले तो भाई अपने बेस को मैं बना देता हूँ, वरना भाई और भी ज्यादा मेरे ऊपर रेड होगी। भाई इसमें ना सारी गलती मेरी है, मैंने अपने बेस को कम्प्लीट ही नहीं किया, उस चक्कर में भाई मेरे ऊपर हमला हो गया। तो पहले ना भाई मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो पहले भाई मुझे यहाँ पे दरवाजा बनाना पड़ेगा, जिससे ना भाई कोई भी मेरे बेस के अंदर एंटर ना कर पाए। तो दरवाजे बनाने के लिए भाई पहले तो मुझे ये सारे का सारा, मैं ना थोड़ी सी हंटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास फूड की कमी। पहले तो मैं इसको खा लेता हूँ, वरना भाई मेरी हालत खराब हो जाएगी, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। और थोड़ी सी ना एंटीबायोटिक वाली मैं दवाइयाँ भी खा लेता हूँ, जिससे ना भाई मेरी हेल्थ रिकवर हो जाएगी बहुत जल्दी। और एक एनर्जी बार भी मैं खा लेता हूँ, जो कि भाई मुझे लास्ट एपिसोड में मिल गई थी। अब मैं ऐसा करता हूँ अपना धनुष निकाल लेता हूँ, जो कि ये वाला, और इनकी थोड़ी सी मैं हंटिंग भी कर लेता हूँ। अरे यार चूक गया भाई, पहले निशाना मैं चूक गया, लेकिन इस बार गया। अबे यार भाई मेरा निशाना हो चुका है बहुत ज़्यादा खराब। लेकिन कोई नहीं। और मेरा तीर कहाँ गया भाई, मेरा तीर नहीं होना चाहिए, ये रहा मेरा तीर। और तेरी ये मेरे बेस में हमला क्यों करने लग रहा भाई, क्या दिक्कत है तुझे। आगे साले गया। उत्तरी बच गया। अबे भाई मेरे एरोज कैसे खत्म हो गए। एक सेकंड, मेरे एरोज तो भाई मेरे पास काफी ज्यादा ना, लेकिन वो ना भाई यहाँ पे रखे हुए, तो ठीक है पहले मैं इनको पिक कर लेता हूँ। सही काम चलाना पड़ेगा। और इस बार एक गया फिर से भाई, पता नहीं एरोज मैंने इतने ज्यादा बना रखे, लेकिन पता नहीं इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाते हैं। और एक बार ना भाई अब इसकी शक्ल देखो भाई, इतनी ज्यादा डरावनी सी शक्ल है, क्या बताऊं। इसको भी मैं अपनी आग में झोंक देता हूँ, जिससे मुझे हड्डियां मिल जाए ज्यादा से ज्यादा। तू भी जा भाई, इसका भी काम खत्म। और केविन के पास मैं जाता हूँ। यार केविन भाई बहुत ही ज्यादा गलत काम कर रहा है, मतलब भाई केविन ने हद करके रखी हुई है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, बोल देता हूँ कि तू ऐसा कर, बहुत सारे लॉक्स लेके होल्डर के अंदर डाल दे, फिल होल्डर। ऑलराइट, और ये ऐसा करेगा बहुत सारे लॉक्स लेके आ जाएगा। ठीक है भाई, मैंने केविन को बोल दिया, अब ये ना बहुत सारे लॉक्स लेके आ जाएगा। तो ये जब तक लॉक ला रहा है ना, मैं ऐसा करता हूँ अपनी दीवार के कुछ लॉक्स ले लेता हूँ, क्योंकि भाई पहले मुझे अपने बेस को कम्प्लीट करना पड़ेगा, वरना भाई दिक्कत हो सकती है। तो इस तरफ तो भाई मैंने दीवार बना दी, तो अब मैं ऐसा करता हूँ अपनी कुल्हाड़ी लेता हूँ हाथ में ये वाली, और अब मुझे भाई इसके बीच में ना दरवाजा बनाना है। तो मुझे कितना बड़ा दरवाजा बनाना है एक बार मैं देख लेता हूँ। इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, और ये लास्ट वाला भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास मीट वगैरह पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, अगर मीट होगा तो भाई मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी बहुत ना हंटिंग कर ही लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरा ये भूखा मर जाएगा वरना प्लेयर। तो यहाँ पे भाई ये बहुत सारे
पंची टाइप के एनिमल्स हैं, इनको मार के आसानी से बहुत ज्यादा मीट कलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल तो भाई मुझे एक का ही शिकार करना, क्योंकि इसके मीट से ही भाई मेरा काम चल जाएगा फिलहाल के लिए। और इसके मीट को भाई मैं पका देता हूँ इसके ऊपर। ऑल राइट, अब ये जब तक पक जाएगा तब तक भाई मैं अपना काम भी कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मुझे लगाना है गेट, तो गेट के लिए भी भाई मुझे लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। और मेरे लॉक्स यहाँ पे, हाँ ठीक है भाई, कैबिन ने थोड़े बहुत लॉक्स यहाँ पे जमा करके रख दिए हैं, ठीक है बढ़िया बात है। तो मुझे ये वाला भी तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद गेट बन सकता है। ठीक है भाई, पाँच की जगह मैंने बना दी ना, अब मुझे लॉक्स उठाने यहाँ से। और भाई केविन तू क्या कर रहा है यार, एक सेकंड यहाँ पे मैं दरवाजा लगा देता हूँ अपना। ऑलराइट, तो आधा दरवाजा मेरा कंप्लीट हो चुका है। अबे भाई ये केविन मेरा काम खराब कर रहा है, एक सेकंड आधा दरवाजा मैं और लगा देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। ये दरवाजा भी भाई कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, और यहाँ से भाई थोड़ा सा मैं मीट भी खा लेता हूँ, जिससे भाई मेरी हेल्थ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ऑलराइट, एक ना एनर्जी ड्रिंक भी मैं पी लेता हूँ, क्योंकि मेरी थ्रस्ट लेवल ना बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ऑलराइट, इस तरह भाई थोड़ा सा पानी का लेवल मेरा ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ पड़ी हुई, तो इनको मैं फिलहाल के लिए कॉर्नर में फेंक देता हूँ, इनका काम खत्म हो चुका है। इस वाले गेट को बनाने के लिए भी मुझे बड़े बड़े लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो ऐसा करता हूँ फिलहाल तो भाई अपनी दीवार से ही मैं लॉक्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि बाद में भाई मैं इनको फिल कर दूंगा, क्योंकि पहले भाई मुझे दरवाज़ा बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो दरवाज़ा बन जाएगा कुछ ऐसे और ऐसे, ठीक है भाई दरवाज़ा बन चुका है। ऑलराइट, और अब भाई इनकी एक मैं कुंडी भी बना देता हूँ, जिसकी वजह से भाई मैं इसको लॉक कर सकूँ। तो एक कुंडी आ जाएगी यहाँ पे, ऑलराइट, और एक आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसको भाई मैं ऐसे लॉक कर सकता हूँ, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये वाला लॉक हो चुका है, तो अब भाई इसके अंदर से कोई भी आ जा नहीं सकता जब तक मैं इसको खोलूंगा नहीं। तो इस वाले को तो भाई मैं खुला ही रखता हूँ, इस वाले को मैं लॉक करके रखता हूँ। और अब ऐसा करता हूँ भाई, एक ना छत पर जाने के लिए भी कुछ बना देता हूँ। छत पर जाने के लिए मुझे दो पिलर्स लगाने पड़ेंगे, एक ऐसे और एक लगा देता हूँ मैं कुछ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भाई मैंने ऑलरेडी बहुत सारी लकड़ियाँ काट के रखी हुई है, तो इनको ले जाके मुझे लगाना है यहाँ पे ऐसे, ये आ जाएगी ऐसे, और ये आखिरी की लकड़ियाँ आ जाएंगी यहाँ पे और यहाँ पे। इसी के साथ भाई ये छत पे जाने का भी सिस्टम मैंने बना लिया। अब ना भाई कोई भी मेरे ऊपर हमला करने आएगा ना, तो मैं छत पे चढ़ जाया करूँगा और अपनी पिस्टल की वजह से भाई मैं उनको मार दिया करूँगा, या फिर मैं बो का भी यूज़ कर लिया करूँगा, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़के इस यहाँ की भी मैंने साफ सफाई कर दिया। अब ऐसा करता हूँ जो मेरा टेंट है ना भाई छोटा सा बाहर, उसको भी मैं ऐसा करता हूँ अपने घर के अंदर मैं लगा दूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पे ना मैं अपना गेम सेव कर सकता हूँ। तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना है एक बार मैं देख लेता हूँ। और इसको भाई मैं लगाने वाला हूँ अपने घर के जस्ट सामने लगा देता हूँ, क्योंकि पहले ना भाई वो थोड़ा दूर पड़ रहा था, यहाँ पे इसको यूज़ करना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। अब बस मुझे एक लकड़ी की ज़रूरत है, तो लकड़ी मेरे पास है ना, ये रही मेरी लकड़ी, इसको लगा देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ ऐसे। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपना गेम सेव करने के लिए और सोने के लिए, क्योंकि भाई अभी भी जो मेरा अंदर वाला घर है ना, इसके अंदर मैंने कोई भी बेड नहीं लगाया हुआ है, तो वहाँ पर मैं सो नहीं सकता। इस वाले बोन फायर को भी मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई इसकी तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसके पत्थर वगैरह मेरे काम आ जाएंगे, लेकिन पत्थर मेरे फुल हो चुके हैं। एक लकड़ी भाई मैं इधर भी लगा देता हूँ, जिससे ये ना थोड़ा कंप्लीट लगे और बढ़िया सा लगे देखने में। अब देखो भाई ये कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो लड़के इसमें यहाँ पे भाई अपने बेस को कम्प्लीट करने में लगा हुआ था, और सामने से देखो भाई इनके कबीले का बदमाश आ चुका है मेरे से लड़ने के लिए। और ये भाई कितना ज़्यादा, उतरी इसने तो भाले निकाल लिया, उतरी ओ एक सेकंड भाई तेरी ऐसी की तैसी, भूल गया मेरे पास गन है, आजा हेडशॉट साले तेरी भाई, ओ मरानी अब जा साले तेरी ऐसी की तैसी। और मेरा भाला कहाँ है, आजा बेटा भाले से ही मारूंगा तुझे तो मैं, दूसरा वाला दूर से ही देख रहा है, लेकिन एक सेकंड खोपड़ी में मारूंगा, खोपड़ी में साले पड़ गया भाला, और निकल साले, मेरा भाला कहाँ है, आजा फिर से नहीं कुल्हाड़ी से मारता हूँ इस बार, निकल साले भाई, बेस पे आके हमला कर रहे, मैंने इनका क्या बिगाड़ा भाई, पता नहीं काफी ज्यादा देर से भाई मैं देखने लग रहा हूँ, एक दो तो पहरा दे के जा चुके यहाँ से, और नहीं वो तो भाई पंछी है मुझे लगा, एक और आ चुका है, लेकिन ठीक है अब शायद मेरा खतरा टल चुका है यहाँ से। इसकी बॉडी को भी मैं फटाफट से यहाँ पे जलाने के लिए रख देता हूँ, तू भी जा स्वाहा हो जाएगा इसका भी फटाफट से। ऑलराइट, और इसकी बॉडी को भी मैं डाल देता हूँ आग के ऊपर, जिससे भाई ये भी जल जाएगा और मुझे काफी ज्यादा हड्डियां मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है। और मेरा बेस ना भाई काफी ज्यादा मैंने बना लिया, लेकिन भाई मुझे अभी भी ना इस बेस में सेफ फील नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगता है और भी ज्यादा मेरे को बड़ा ये बेस बनाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है मैं इसको बड़ा कर लूंगा धीरे, लेकिन उससे पहले भाई आने जाने के लिए मुझे ठीक से व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये किसका बच्चा भाई, छोटा सा बच्चा, ये कौन छोड़ गया यहाँ पे, म्यूटेंट बच्चा यार, ये कितना ज्यादा गंदा सा लग रहा है भाई। और इसकी भाई क्या कर रहा है ये, ओ तेरी, छोटा सा बच्चा मेरे ऊपर हमला कर रहा है, आजा तेरी ऐसी की तैसी खोपड़ी में मारूंगा साले, निकल यहाँ से गंदे से बच्चे। और इसको उठा सकता हूँ मैं, अरे यार मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर हमला हो चुका है, कोई तो भाई मेरे बेस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है भाई, बच्चे छोड़ के क्यों जा रहे हैं यार, बच्चे तो साथ लेके जाओ। ओ सामने
आजा बेटा आजा आजा। अरे यार ये तो कैबिन है, भी फालतू में मारा जाता है ये। और भाई मेरा स्टैमिना बिल्कुल जा चुका है, जीरो हो चुका है, लेकिन ठीक है मैं सर्वाइव करने में भाई कामयाब हो चुका हूँ। और यहाँ पे ना भाई मैंने सोलर पैनल वगैरह लगाने की कोशिश की थी जिससे मैं लाइट दे सकूँ, लेकिन भाई अभी ना मुझे इसको यूज करना नहीं आता, तो मैं फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ। और इसको हटाने से पहले मुझे तार हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है मैं इसको हटा लेता हूँ। इसको लगाना भाई मैं बाद में सीखूंगा, यहाँ पे एक तार मैंने बांध दिया था ना, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। भाई इस तार को मैं कैसे हटाऊँ, एक सेकंड इस वाले तार को हटाने के लिए, अबे यार ये क्यों हटा दिया तूने, इसको नीचे पटक दे तू, ठीक है। और इस वाले तार को मुझे हटाना है, अबे तार कैसे हटेगा भाई यहाँ से, अबे हट जाना यार कैसे हटेगा। इस वाले धागे को अगर मैं खींचू तो भाई पता नहीं तार मेरा वेस्ट तो नहीं हो गया, ये हट ही नहीं रहा, लेकिन ठीक है इसको मैं बाद में देख लूंगा। फिलहाल तो इस वाले लॉक को मैं इसी की जगह पर लगा देता हूँ, ठीक है कुछ ऐसे। और ये 4-4 फुट से काम नहीं चलेगा भाई, कम से कम मुझे 15-15 फुट की दीवारें बनानी पड़ेंगी, तभी भाई मैं सेफ फील करने वाला हूँ। और अब ऐसा करता हूँ भाई, मैं कैबिन को ना फिर से बोल देता हूँ ज्यादा से ज्यादा लॉक लाने के लिए। और मेरी आग थोड़ी सी कमजोर हो गई है ना, तो एक सेकंड यहाँ से थोड़ी सी लकड़ियां उठा लेता हूँ और आग के अंदर डाल देता हूँ, जिससे भाई आग मेरी बुझनी नहीं चाहिए, आग लगातार भाई जलनी चाहिए। और थोड़ी सी लकड़ियां मैं और डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ना भाई काफी ज्यादा मेरे को हड्डियां मिल चुके, तो मैं हड्डियां उठा लेता हूँ यार, हड्डियां मेरी फुल हो चुकी है। तो आई थिंक मुझे हड्डियों के लिए, लेकिन आई थिंक ना मैं हड्डियों को रखने के लिए ना एक स्टैक टाइप का कुछ बना सकता हूँ। एक बार मैं चला जाता हूँ, कहाँ जाऊँ, इसमें जाऊँ या फिर भाई मेरे को पता नहीं है, मैं हड्डियों का होल्डर भाई पता नहीं कहाँ बनेगा, लेकिन ठीक है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ढंग से। हड्डियों का होल्डर आई थिंक इसी में मुझे मिलना चाहिए, या फिर भाई दूसरी वाली डायरी में मुझे मिलेगा, उसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और होल्डर यहाँ पे मिल सकता है मुझे, ठीक है। अरे यार ये तो फर्नीचर है, नहीं यार मुझे फर्नीचर नहीं चाहिए, मुझे होल्डर चाहिए। होल्डर ये क्या भाई, रॉक स्टोरेज, स्टिक स्टोरेज, नहीं यार मुझे हड्डियों के लिए चाहिए लार्ज स्टोरेज, बोन स्टोरेज ही रहा, ठीक है। और लार्ज बोन स्टोरेज है क्या भाई इधर, नहीं बोन स्टोरेज को मैं लगा देता हूँ। कहाँ पे लगाऊं भाई, बोन को मुझे कहाँ जमा करना चाहिए, बोन को मैं फिलहाल ऐसा करता हूँ यहाँ पे जमा कर लेता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगी, बढ़िया। और इसके अंदर में काफी ज्यादा बोन, पहले तो भाई मुझे इसको बनाना पड़ेगा, उसके लिए ना मुझे स्टिक्स की जरूरत पड़ने वाली, भाई मेरे पास स्टिक्स नहीं यार बिल्कुल भी। तो ठीक है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर ना कोई नजर रखे हुए है, लेकिन पहले ना कैबिन को मैं बोल देता हूँ भाई इस होल्डर को ना फिल कर देगा लॉक्स से, जिससे मुझे बाद में दिक्कत नहीं होगी लॉक्स की। और इसको मैं बोल देता हूँ होल्डर फिल कर दे, ठीक है भाई ये मेरा काम आसानी से कर देगा। अब मैं ऐसा करता हूँ स्टिक्स को जुटाने में लग जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे ना बहुत ज्यादा स्टिक्स की जरूरत पड़ने वाली है, ये स्टिक्स ही है ना, तो ठीक है। और भाला मैं ऐसा करता हूँ भाई 2-4 और बना लेता हूँ, क्योंकि भाले की ना मुझे जरूरत पड़ने वाली है। दो भाले तो है मेरे पास, लेकिन दो नहीं भाई 3 भाले है, एक दो कितने भाले भाई, ये 2-3 पता नहीं कितने, लेकिन ठीक है मुझे भाला और बनाना है ना। अरे यार मैंने ये क्यों ले ली, एक सेकंड भाला मैं भी हाथ में रखता हूँ, जैसे कोई और आएगा ना मैं देख लूंगा। फिलहाल तो भाई मैं बहुत सारी स्टिक्स जमा कर लेता हूँ, और मुझे अपनी ना छोटी वाली कुल्हाड़ी आई थिंक रखनी चाहिए हाथ में, क्योंकि ये ना स्टिक्स को जमा करने में मेरी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। और यहाँ से भाई बहुत ज्यादा स्टिक्स में जमा कर लेता हूँ, ठीक है यार। स्टिक्स को जमा करना तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे, मतलब वैसे तो जंगल के अंदर ये पड़ी रहती है ना, ये यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यार ये ना झाड़ियों के नीचे छुपी बैठी है, लेकिन ठीक है मैं बहुत सारी स्टिक्स एक बार में जमा कर लेता हूँ, जिससे मुझे बाद में जरूरत ना पड़े। भाई मैं क्यों ना कैबिन को बोल दूं कि बहुत सारी स्टिक्स लेके आ जाए, लेकिन छोड़ो भाई कैबिन ना लॉक जमा करने में बिजी है, तो उसको मैं परेशान नहीं करूंगा। फिलहाल भाई मैं खुद से ही बहुत सारी स्टिक्स जमा कर लेता हूँ, और इस वाले सूखे पेड़ से तो भाई मुझे बहुत ज्यादा स्टिक्स मिल जाएंगी। और एक सेकंड ये कटा नहीं क्या, कट गया ठीक है। और यहाँ से तो भाई मुझे बहुत ज्यादा स्टिक्स मिल चुकी है, ठीक है, लेकिन भाई ये उठाता ही जा रहा है। और इनको मैं तोड़ लेता हूँ भाई, इनके अंदर मैं थोड़ा सा जंगल में अंदर चला जाऊँ। वैसे जंगल के अंदर मैं जाता हूँ ना, तो भाई मुझे थोड़ा डर सा भी लगने लग जाता है, क्योंकि वो आदमखोर ना भाई पेड़ के ऊपर चढ़े रहते हैं, और कई पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर हमला कर देंगे ना। और ये अच्छा मैं इनको खा सकता हूँ ना, ठीक है ये बेरीज तो भाई मुझे सही मिल गई, इनको ना मैं खा लेता हूँ, जिससे ना थोड़ा सा मेरा स्टैमिना भी बढ़ रहा है और मेरी प्यास भी बुझ रही है। बाकी ये वाला पेड़ मैं काट दूंगा ना, तो इससे मुझे स्टिक्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से भाई बहुत सारी स्टिक्स मैं जमा कर लेता हूँ अपने लिए, और आई थिंक इतनी स्टिक्स तो काफी होंगी, लेकिन मैं ना भाई बाद के लिए अभी से जमा कर रहा हूँ। और यहाँ पे भाई ऑरेंज कलर की बेरीज मुझे मिल चुकी है, तो इनको भी मैं खा लेता हूँ, क्योंकि ये भी भाई काफी ज्यादा सही चीज है, इनसे ना स्टैमिना वगैरह बढ़ जाता है, तो मैं खाते रहता हूँ इनको। ये ब्लू वाली मैं खा सकता हूँ ना, हाँ भाई ग्रीन कलर का जिसमें साइन आ जाता है ना, मैं इसको खा सकता हूँ। और इस वाले पेड़ को मैं तोड़ लेता हूँ, ठीक है, ये वाला भी टूट चुका है ऑलराइट। और भाई पेड़ तो टूट जाता है, लेकिन स्टिक्स पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। इस वाले पेड़ को काटूंगा ना, तो शायद मुझे ज्यादा स्टिक्स मिल जाएंगी। और एक बार मैं इसको काट लेता हूँ, ठीक है, नहीं यार इससे तो मुझे लॉग्स मिलेंगे। बस यहाँ से मैं स्टिक्स जमा कर लेता हूँ, नीचे मैं देख लेता हूँ भाई स्टिक गिरी है या फिर नहीं गिरी। भाई पता नहीं इतनी दिक्कत क्यों आ रही है मुझे स्टिक्स जमा करने में, वैसे तो भाई इधर उधर ही पड़ी रहती है, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। और भाई धीरे धीरे करके ना मैं जंगल में काफी ज्यादा अंदर आ चुका हूँ। ये देखो भाई यहाँ पे ना लाशें लटकी पड़ी है, ये देखो, और उन आदमखोरों का ये काम है। वैसे सही बताऊँ ना, मुझे ना अब थोड़ा उनसे कम डर लगने लग गया, जब से भाई मैंने ना उनको मारना शुरू कर दिया है। और सामने ना भाई गिलहरी मुझे दिख चुकी, तो क्यों ना भाई इस गिलहरी का भी मैं शिकार कर लूँ, क्योंकि भाई मुझे खाने की भी जरूरत पड़ने वाली है। और यार एक सेकंड कोई है क्या मेरे पीछे, नहीं यार कोई नहीं है, मैं डर गया था भाई अभी तो। और सामने भाई शायद मुझे लगता है मीठे पानी की झील है, एक सेकंड ये झील है ना भाई पानी की, ओ तेरी भाई ये पानी की झील है, लेकिन ये सूखी क्यों पड़ी है।
अच्छा जी, ये रही तो ठीक है, मैं यहाँ से ना अपनी बोतल में पानी भर लेता हूँ पहले तो, क्योंकि भाई मेरा पानी खत्म हो चुका है। ये देखो भाई मुझे यहाँ पे रस्सी मिल चुकी है, बढ़िया भाई बढ़िया, पानी भी है, रस्सी मिल चुकी है और मुझे कपड़ा भी मिल चुका है, बढ़िया, ये मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला। पहले तो भाई मैं बोतल भर लेता हूँ अपनी, क्योंकि मुझे पानी की भाई सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, और मेरी बोतल बढ़ जाएगी यहाँ से आराम से, ठीक है भाई। और थोड़ा सा पानी ना मैं बोतल से पी लेता हूँ, इस बोतल को फिर से भर लेता हूँ, ऑलराइट, जिससे भाई मुझे पानी की आगे भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बोतल भी भर चुकी है, इसको मैं बैग में रख लूंगा, थोड़ा सा पानी मैं खुद से पी लेता हूँ, चलो बढ़िया। और इस सामने भाई लाशें पड़ी हुई, शिट यार मैंने जहरीला पानी पी लिया फिर से, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी जहरीला नहीं था, मेरा काम चल जाएगा। फिलहाल मैं कुल्हाड़ी अपनी हाथ में ले लेता हूँ, और ये भाई किसका काम है, मतलब मेरे सोल्जर्स के ना बॉडी पार्ट लटके हुए यहाँ पे, लेकिन ठीक है भाई इनसे ही मैं स्टिक्स जमा कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे स्टिक्स मिल चुकी है, और ये धड़ था भाई यार, कितनी बुरी हालत कर दी भाई मेरे सोल्जर्स की उन्होंने, लेकिन कोई नहीं भाई मैं बदला ले लूंगा सबसे। तो अब भाई मुझे यहाँ से ना निकल लेना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं भाई वो आदमखोर फिर से लौट आए। और ये देखो भाई यहाँ पे कितनी ज्यादा लाशें लटकी पड़ी है, और पता नहीं भाई यहाँ पे क्या चल रहा हूँ मैं, ज्यादा दूर आ गया भाई धीरे धीरे करके ना, मैं जंगल के इतना ज्यादा अंदर घुस गया कि भाई मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। और मैं उस वाली गुफा के ऊपर आ चुका हूँ भाई, जिस गुफा के अंदर भाई पता नहीं कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। और भाई पहले मैं सोच रहा था ना उस वाली गुफा को भी मैं एक्सप्लोर करूंगा कि अंदर भाई मुझे क्या क्या मिलने वाला है, लेकिन सही बताऊं ना भाई मैं इस गेम को खेल रहा हूँ रात के 1:30 बजे, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई उस गुफा में जाने की। जब भी भाई मैं उतरी कौन है भाई, इसकी आंखें ही नहीं है, उतरी ओ एमो खत्म, लेकिन थी रीलोड कर ले, ऑलराइट। और भाग गया, बढ़िया भाई भाग गया, वरना यार मेरी गन नहीं होती ना मेरे पास, पता नहीं क्या हो जाता। और भगले यहाँ से भगले, मैं क्या बोल रहा था भाई, हाँ मैं इस वाली गुफा को एक्सप्लोर तो करता, लेकिन सही बताऊं ना भाई मैं रात के टाइम खेल रहा हूं, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसके अंदर जाने की। जब भी भाई मैं दिन में इस गेम को खेलूंगा ना, तब मैं उस गुफा के अंदर जाऊंगा और देखूंगा उसके अंदर मुझे क्या क्या मिलने वाला। और एक बार मैं देख लेता हूं कैबिन ने कितने ज्यादा लॉग यहां पे जमा कर रखे हैं, कैबिन ने भाई ठीक ठाक लॉग यहां पे जमा करके रखे हुए हैं, तो ठीक है। बाकी ये सफेद आदमखोर मेरे सामने घूमने लग रहा है भाई, मेरा मन तो कर रहा है मैं इसको मार दूं, लेकिन छोड़ो भाई मुझे भी पंगे लेने, मैं अपने बेस को कंप्लीट करने में ज्यादा ध्यान देने वाला हूं। पहले तो भाई इस होल्डर को मैं कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। और यहां से हड्डियां गायब हो चुकी, नहीं हड्डियां यहां से गायब नहीं हुई, एक सेकंड ये वाला भी फुल हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर भाई बहुत ज्यादा हड्डियां मैं डाल देता हूं, जितनी भी भाई हड्डियां है ना मेरे पास सारी की सारी मैं स्टोर कर दी, और यहां पे जितनी भी पड़ी है ना भाई सारी की सारी मैं उठा लेता हूं, ठीक है। हड्डियां भाई जमा हो जाओ यहां से, और एक बार ना मैं देख लेता हूं भाई हड्डियों से मैं क्या-क्या कर सकता हूं, आर्मर वगैरह बना सकता हूं या फिर नहीं बना सकता। बोन भाई किधर जमा है, यहां पे जमा है, ठीक है। और मैं देख लेता हूं बोन से मैं आर्मर बना सकता हूं, उसके लिए ना मुझे रस्सी चाहिए, तो ठीक है रस्सी है मेरे पास। और क्या चाहिए भाई, ये गोल गोल सी क्या चीज है, गोल गोल सी चीज है नहीं क्या मेरे पास, टेप है क्या ये, एक बार मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड मेरे ऊपर हमला हो चुका है, शायद मेरे ऊपर हमला हो चुका है भाई, हो चुका है हमला मेरे ऊपर, नहीं यार नहीं, कोई नहीं है भाई कोई नहीं है। वैसे ठीक है कोई आएगा तो शूट कर दूंगा मैं उसको, और मैं इसको लॉक लगा दूंगा यार, वैसे लॉक लगाने कोई फायदा नहीं है, वो ना टाप के आ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे बोन वगैरह, और मैं बोन रख देता हूँ इसके अंदर। और ये कौन है भाई, उत्तरी कैबिन के पीछे वो पड़ गया, कैबिन के पीछे पड़ गया ये, आजा उत्तरी से एक ही गोली में खत्म। और नहीं अभी जिंदा कुल्हाड़ी का मेरी ये रही, पर तेरी निकल साले, अरे वो तो ही मार रहा भाई, ये तो मार रहा मेरे ऊपर, ओ भाई इसने मेरी कितनी जल्दी हेल्थ कम कर दी यार, क्या था भाई ये, क्या चीज है यार। और भी आ सकते हैं, पहले ना मैं थोड़ी सी टैबलेट खा लेता हूँ, जिससे ना भाई मेरी हेल्थ रिकवर हो जाएगी। खा ले भाई। और थोड़ा सा ना मैं मीट भी खा लेता हूँ, मेरे पास मीट पड़ा हुआ है ना, ये भी खा लेता हूँ, ऑलराइट, ठीक है। और इसकी डेड बॉडी उठा के मैं आग के ऊपर फेंक देता हूँ फिर से, क्योंकि मुझे और ज्यादा हड्डियां मिल जाएंगी फिर। और यहाँ से ही मैं टाप के चला जाता हूँ, और भाई पता नहीं क्यों मेरा बेस अभी इतना ज्यादा छोटा और अनसिक्योर है ना भाई, मैं इनका शिकार हो सकता हूँ कभी भी। और मैं क्या कर रहा था भाई, मैं आर्मर बनाने की कोशिश कर रहा था, तो पहले भाई हड्डियां मैं रख देता हूँ, टेप भी रख देता हूँ, रस्सी भी रख देता हूँ, और मुझे क्या जरूरत पड़ने वाली है, 4 हड्डियों की जरूरत पड़ने वाली है, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मेरा आर्मर बन सकता है, तो मैं इसको बना लेता हूँ, ऑलराइट। और आर्मर भाई पता नहीं ये कहाँ का बनने वाला है, ये कहाँ का बन चुका है भाई, ये बन चुका है, इसको मैं पहन लेता हूँ, पहले तो देख लेता हूँ इसने कहाँ पहना है। और यहाँ पे भाई एक येलो कलर की लाइन आ चुकी है, और ये ना 1, 2, 3, 4, 5 काफी ज्यादा है। अच्छा, लेफ्ट वाले हाथ पे पहन लिया भाई आर्मर, एक बार मैं देखता हूँ, हाँ इसने लेफ्ट वाले हाथ पे आर्मर पहन लिया, मतलब थोड़ी सी ना मेरी प्रोटेक्शन हो चुकी है। और सामने अच्छा थक चुका है भाई कैबिन, सामने आराम कर रहा है, लेकिन ठीक है इसने काफी ज्यादा लॉग जमा कर दिए हैं, जो कि बढ़िया बात है। अब ना भाई मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ पहले तो बेस को, क्योंकि भाई ये ना बहुत ही ज्यादा अनप्रोटेक्टिव है, और मेरी इस पे ना मौत हो सकती भाई, क्योंकि आदिवासियों को कोई भरोसा नहीं भाई, बहुत ज्यादा हमला करने लग गए हैं वो। और पीछे से भी मैं सिक्योर कर देता हूँ, क्योंकि भाई इधर भी ना मेरे को प्रोटेक्शन की जरूरत है। और ये लॉग्स ना इतनी जल्दी खत्म हो रहे हैं, क्या बताऊं, मतलब कैबिन ने भाई इतने ज्यादा लॉग्स यहाँ पे जमा कर रखे हैं। और एक सेकंड भार भाई क्या चीज है ये, ये क्या चीज है भार, यार मैंने ना इसको नहीं लगाया, मुझे याद है भाई, तो इसी की मदद से कहीं ऐसा तो नहीं भाई ये ना मेरे को स्पॉट करके चले गए हो और बोल गए हो कबीले वालों के हमने एक निशानी वहां पे लगा दी है, तो तुम भाई उसको जाके पेल दो,
तो मैं ऐसा करता हूँ, इनकी निशानी को ना मैं तोड़ देता हूँ। और टूट जा तू भी, टूट जा भाई, टूट जा, अरे टूट जा ना, ठीक है। और इससे ना मुझे मुंडी मिल चुकी है और ये मिल चुका है, ठीक है। और इस कल से क्या होता है, एक बार मैं अपने बेस के अंदर चला जाता हूँ पहले तो, और इसको ना मैं लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। क्या पता भाई वो कूद कूद के ना आ पाए, और मेरा कैबिन भारी रह गया भाई। एक सेकंड, कैबिन को मैं बोल देता हूँ तू फोल्डर फिल कर भाई, तू रुक मत, आ जा आ जा कैबिन यहाँ पे आ, और तू अभी भी भाई ऐसा कर, लॉक्स ले आ और फोल्डर को फिल कर दे, ठीक है। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। और ये आई थिंक समझ चुका है, और यहाँ से कूद के मैं चला जाता हूँ और इसको मैं खोल देता हूँ कैबिन के लिए, क्योंकि कैबिन भी अंदर आना चाहिए। और यहाँ से स्टिक पड़ी हुई तो इसको भी ले लेता हूँ। और एक बार ना भाई मैं देख लेता हूँ ये स्कल जो पड़ी हुई है ना मेरे पास, इनसे मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी ना काफी ज्यादा मेरे पास जमा हो चुकी है। और इससे मैं क्या बना सकता हूँ, रस्सी चाहिए यार मुझे, रस्सी तो नहीं है मेरे पास लेकिन लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। रस्सी स्टोन एरो में बना सकता हूँ इससे, स्टोन एरो तो मैं बना सकता हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ, स्टोन जमा कर लेता हूँ, फैदर जमा कर लेता हूँ, ठीक है। और जमा कर लेता हूँ स्टोन, ठीक है। और देख लेता हूँ भाई कैसे एरो बनाने वाला है इनकी मदद से। और हड्डी का क्या रोल है भाई स्टोन एरो में, अरे यार हड्डी का तो कोई रोल ही नहीं है भाई, निकल यहाँ से। बाकी एरो बन चुके ना मेरे यार, लेकिन एरो का भी काम तो आते नहीं भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है इनकी। तो ठीक है भाई, इनको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और मेरा बो कहाँ पे है, मेरा बो है यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं इक्विप कर लेता हूँ। और ये मेटल वाले एरो क्यों आ रहे हैं भाई, एक बार मैं इनको यूज कर लेता हूँ ना तो भाई ये खत्म हो जाते हैं। एक बार मैं ऐसा करता हूँ इनको यूज करके देख लेता हूँ सारे के सारे, इसके ऊपर लगा देता हूँ सारे के सारे एरो में। और ये देखो भाई मेरे एरो खत्म हो चुके हैं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मेरे पास ना स्टोन के एरो काफी ज्यादा है। इनको मैं कहाँ रखूँ जिससे मैं यूज कर सकूँ इनको, एक सेकंड, मैं इनको यूज करने के लिए भाई कहाँ रखूँ। अच्छा अच्छा इस बैग के अंदर मुझे रखने पड़ेंगे शायद भाई, मेरे समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा मैं स्विच कर सकता हूँ एरोस को, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो हाँ ये सही है, ये सही तरीका है भाई, मुझे पहले पता नहीं था। ठीक है अब मैं यहाँ से एरोस को पिक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई ये मेरे एरोस फालतू में खराब हो जाएंगे। अबे उठाना गधे, क्या कर रहा है, उठाना भाई एरोस को। हाँ ठीक है, सारे के सारे एरोस मेरे जमा हो चुके हैं ना। और एक बार मैं फिर से अपना, अबे भाई मेरे ऊपर हमला तो नहीं हो चुका, एक बार मैं देख लेता हूँ यार नहीं हुआ हमला। और मैं फिर से ना अपना बो निकाल लेता हूँ, एक बार मेरा बो कहाँ है ये रहा। और एक बार फिर से मैं स्विच करके देख लेता हूँ एरोस को। हाँ ठीक है, मेरे पास ना तीन तरह के एरोस हैं, ये तो मेटल वाले एरो हैं जो कि भाई मैंने शायद उसके अंदर बनाए थे 3D प्रिंटर के अंदर, और ये ग्रीन वाले शायद मुझे मिले थे सामान में, और ये रॉक वाले एरो हैं जिनको भाई मैं कितना भी बना सकता हूँ, ठीक है। और कैबिन देखो भाई होल्डर भी बहुत जल्दी जल्दी फिल कर रहा है, तो ठीक है मैं पहले तो यहाँ से लकड़ियाँ ले लेता हूँ और इनको भाई लगाना शुरू कर देता हूँ। मैं दीवार कंप्लीट करने वाला हूँ ना, पहले तो भाई चार चार की चारों तरफ से मैं फुल कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ही भाई मैं आगे काम करने वाला हूँ और लास्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। चार चार की ना चारों तरफ से हो चुकी है, मतलब थोड़ा बहुत अब मैं सेफ फील कर रहा हूँ खुद को। और जैसे कोई आएगा ना भाई मैं इस वाले को लॉक कर दूंगा ऐसे, और इसकी छत पे मैं चढ़ जाया करूंगा यहाँ पे, और फिर भाई यहाँ से ताबड़ तोड़ फायरिंग करने वाला हूँ जिससे भाई उनकी खोपड़ी में छेद हो जाए और वो यहाँ से निकल जाए। अब मैं ऐसा करता हूँ भाई और भी ज्यादा क्राफ्टिंग करके देख लेता हूँ, यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा हड्डियां पड़ी हुई है, तो पहले तो भाई मैं सारी की सारी हड्डियां कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई हड्डियों का बहुत ज्यादा रोल है। और ये भाई हड्डियों की कैपेसिटी फुल हो चुकी है, तो सारी की सारी हड्डियां मैं पहले तो इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर आ चुकी ना। अभी भी भाई यहाँ पे काफी ज्यादा हड्डियां पड़ी हुई है, तो ये भी मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। और भाई काफी ज्यादा मैंने हड्डियां जमा कर ली एक बार में, अब तो खोपड़ी वगैरह ही रह गई है, तो ठीक है। और बाकी मैं इसके अंदर ना काफी ज्यादा हड्डियां जमा देता हूँ, बढ़िया भाई बढ़िया। और भी देख लेता हूँ मैं क्या क्या बना सकता हूँ भाई, मेरे पास ना सोलर पैनल भी है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा सोलर पैनल, इसको भी मैं लगा सकता हूँ। तो पहले ना भाई मैं डेमो के लिए आपको लगा के दिखा देता हूँ, इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, अरे यार उल्टा लग गया, फिर से लगाता हूँ। और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, लगा देता हूँ, वैसे डेमो के लिए लगा रहा हूँ, बाद में अच्छे तरीके से मैं लगाने वाला हूँ। और एक ही आई थिंक काफी है, क्योंकि मेरे पास बैटरी ना एक ही है, और मेरी बैटरी है भाई ये वाली, तो इसको मुझे अटैच करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है, ये अटैच हो चुकी है, बढ़िया। और मेरे पास ना वायर भी है, तो वायर को इससे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। और इसको मैं कहाँ लगाऊं भाई, इसको मैं लगा देता हूँ, कहाँ लगाऊं यार मेरे समझ नहीं आ रहा भाई, मैं इसको चलो यहाँ लटका देता हूँ, ठीक है। और भी ज्यादा कहीं लगा सकता हूँ मैं, नहीं यार, एक ना मेरे पास बल्ब भी बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, तो भाई ये बल्ब अगर इससे कनेक्ट हो जाएगा ना यार, पता नहीं क्यों बल्ब कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर भाई बल्ब कनेक्ट हो जाए ना कैसे भी करके, तो मजे ही मजे हो जाएंगे फिर तो, क्योंकि भाई मैं बल्ब को लटका दूंगा तो रोशनी की मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर काफी ज्यादा रोशनी मेरे पास हो जाएगी एक बार में ही। और केविन फिर से रुक गया यार, पता नहीं, और सामने कौन है भाई, एक सेकंड, मैं ऐसा करता हूँ अपना बो हाथ में ले लेता हूँ, ठीक है। और एक बार ना मैं बाहर जाके देख लेता हूँ भाई कौन है जो केविन को धमकाने लग रहा है, और इसका लॉक में खोल देता हूँ, ठीक है। आजा बाहर आजा। उत्तरी कौन है यार, ये म्यूटेंट है भाई ये तो। एक सेकंड, तेरी ऐसी की तैसी, निकल साले। ओ उत्तरी, आजा। उत्तरी भाई, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और आजा भाई साहब, बोन के एरो तो मेरे पास काफी ज्यादा है, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केविन को क्यों मार रहा है, केविन को उत्तरी, यार डॉज की तरह तगड़ा कर रहा भाई, ये डॉज की तरह तगड़ा कर रहा, लेकिन ठीक है इसके पिछवाड़े में मार दिया मैंने। और निकल साले, आजा बेटा, दो मैंने निपटा दिए। और रुक जा, मेरे पीछे मत, पीछे मत।
एक सेकंड इनकी भाई ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी अब गन से, मैं सोच रही हूँ। लेकिन एक सेकंड मेरे पास ना ग्रेनेड भी है भाई, मेरे पास ग्रेनेड भी है। और निकलो साले तुम सारे के सारे, ऐसी की तैसी तुम्हारी, उनको लेके जा रहे हैं। ओ तेरी भाई, ओ तेरी, इनके चितड़े कर दिए भाई मैंने, इनके चितड़े कर दिए। और एक तो भागने लग रहा है। कहाँ भग रहा है? रुक जा बेटा, रुक जा, मेरे पास गन भी है बेटा, गन भी है मेरे पास, आ जा। कहाँ भग रहा है भाई, तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। ओ सामने से वो भी आ चुकी लड़की, उधर जाके वो खड़ा हो चुका है। लेकिन भाई मैं इसका पीछा करने वाला हूँ, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा भाई। मेरे बेस पे आके क्यों हमला कर रहे हो, मैंने तुमसे क्या बोला है? निकल साले, वो बच गया, निकल। मेरा स्पीयर कहाँ है, स्पीयर कहाँ, ये रहा, और इसकी खोपड़ी पे मारूंगा मैं। निकल साले और निकल साले। खत्म भाई खत्म, स्पीयर ले ले भाई। और इसकी डेड बॉडी को छोड़ यहाँ से। और लड़की शायद मेरे से इंप्रेस हो चुकी है, क्योंकि भाई मैंने काफी ज्यादा दरिंदे मार दिए। और एक और स्पीयर कहाँ भाई मेरा, एक स्पीयर इसके अंदर है क्या? चलो छोड़ो, तीन स्पीयर थे ना मेरे, पता नहीं भाई एक कहाँ चला गया, शायद मैंने पहले उठा लिया होगा। पहले तो भाई इसकी डेड बॉडी को उठा के आग पे जाके फेंक के आ जाता हूँ। और भाई मैं ना सही बताऊँ थोड़ा सा लड़ने में ठीक हो चुका हूँ। और सामने ना एक और बच चुका है सामने। आ जा बेटा, आ जा, कहाँ जाएगा? पिस्टल के आगे तो तेरी नहीं चलेगी। और भगले। निकल साले, भाला कहाँ है? ये रहा भाला, आ जा बेटा, खोपड़ी पे मारूंगा तेरे, एक ही में खत्म। गुंजाइश बची है ना थोड़ी बहुत, तो अब खत्म तू भाई। मैं इन्होंने आदमखोर बना दिया भाई, सही बताऊँ ना पहले मैं इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन इन्होंने भाई जैसी हालत करी ना मेरी, मैं थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। और पहले तो भाई सारे के सारे मैं एरोज वगैरह ले लेता हूँ, लेकिन यार इसकी डेड बॉडी गलती से उठ जाती है, सारे के सारे एरोज वगैरह मैं उठा लेता हूँ। क्योंकि भाई एरोज वगैरह अगर मैं उठाता रहूंगा ना तो मुझे और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एरोज ने भाई क्या ही साथ दिया, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा साथ दिया भाई एरोज ने। और इनकी ऐसी की तैसी भाई सही बताऊँ ना एरोज नहीं की थी, गन का तो मैंने पीछे यूज किया था, लेकिन सबसे ज्यादा तो ऐसी की तैसी भाई इनकी ग्रेनेड नहीं की थी। मतलब भाई ग्रेनेड ने तो इनकी लेनी देनी कर दी थी, क्या बताऊँ। लेकिन मजा काफी ज्यादा आया था भाई, काफी ज्यादा मजा आया था, इनकी जब चितड़े उड़े थे ना भाई मजा ही आ गया था। बाकी सारे के सारे एरोस तो मैंने कलेक्ट कर लिए ना, अब भाई बारी है इनकी हड्डियों की। इनकी हड्डियों से मैं वेपन्स बनाऊंगा आगे चल के तगड़े। और इसकी लाश को भी फेंक देता हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है। और भी काफी ज्यादा लाश है भाई, सारी की सारी उठा के मैं लाने वाला हूँ। आपने भाई एक चीज नोटिस नहीं की होगी, जैसे ये घायल हो गए थे ना, तो इनके जो बाकी के साथी ना भाई उन्होंने फाइट करना रोक दिया था। वो ना भाई अपने घायल साथियों को ले जाने की फिर कोशिश कर रहे थे घसीट के, लेकिन भाई मैंने उनको भी मार दिया, उनके साथियों को मार दिया, क्योंकि भाई मैं अब ज्यादा डेंजर हो चुका हूँ उन आदिवासियों से भी। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा भाई। और साथ ही भाई इस आइलैंड की ना गुत्थी को भी सॉल्व करूंगा कि भाई आखिर में जो भी बंदे आते हैं उनको ये खा जाते हैं या फिर क्या करते हैं। खा ही जाते होंगे, क्योंकि यार आपने देखा ही होगा चारों तरफ ना भाई ऐसे ही डेड बॉडी वगैरह लटकी हुई है। और इनका ना मुझे बेस भी ढूंढना पड़ेगा भाई जल्दी, क्योंकि ये आ कहां से रहे भाई मुझे इसका पता करना पड़ेगा। और ये मेरे तक आए उससे पहले ना भाई मुझे इनके बेस खत्म कर देने चाहिए, जिससे भाई प्रॉब्लम ना जड़ से ही खत्म हो जाए और मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना हो। फिलहाल तो भाई रात ना काफी ज्यादा हो चुकी है, और इनकी हड्डियां देखो भाई कितनी ज्यादा निकल के आ चुकी है बाहर। तो पहले तो भाई सारी की सारी हड्डियां मैं जमा कर लेता हूँ, ठीक है, और इस होल्डर के अंदर मैं फुल कर देता हूँ। होल्डर भी मुझे ऐसा लगता है, अरे यार होल्डर भी फुल हो चुका है। तो पहले तो भाई रात काफी ज्यादा हो चुकी है, मैं सो जाता हूँ, क्योंकि रात के अंधेरे में काम करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है। मैं दिन के उजाले में काम करने वाला हूँ, तो फटाफट से एक अच्छी सी नींद में ले लेता हूँ और गेम को भी भाई सेव कर देता हूँ। और जब भी भाई मैं सो के जगता हूँ ना, इसका थ्रस्ट लेवल ना काफी ज्यादा लो हो जाता है। तो पहले तो भाई मैं ऐसा करता हूँ, ये सीपी खा लेता हूँ, जिससे ना मुझे पानी भी मिल जाएगा और दिन की शुरुआत भी एकदम फ्रेश हो जाएगी, ठीक है। और ये सामने लड़की घूमने लग रही है, आई थिंक इसका नाम ना भाई वर्जीनिया है। और आपको भाई याद होगा इस गेम के इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि भाई मैं ना इस आइलैंड पे तीन लोगों को खोजने के लिए आया था, जिनमें से ना भाई एक लड़की की शक्ल ना इसी लड़की से मिलती है और उसका नाम था वर्जीनिया। भाई पता नहीं इस आइलैंड पे आके शायद वो भी म्यूटेंट हो गई होगी। और आई थिंक इधर ना भाई और ज्यादा सामान भी बह के आ चुका है, तो ठीक है मैं सारा का सारा फिर से कलेक्ट कर लेता हूँ। ये भाई इस गेम में जब भी हम गेम रिस्टार्ट करते हैं या फिर सेव करते हैं ना, तो हमें ये सामान दे देता फिर से, क्योंकि भाई आप ना देख सकते हो ये गेम बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो ये स्टार्टर पैक है हमें मिलता रहेगा, ये अच्छी बात है। तो ठीक है, वैसे ज्यादा नहीं मिलता भाई, थोड़ा बहुत सामान ही मिलता है जिससे हम एक दिन को सर्वाइव कर सके। और मेरे को ना एमओ मिल जाती है, वो चीज बढ़िया भाई, क्योंकि भाई एमओ को ना मैं खुद से बना नहीं सकता, एमओ मुझे कलेक्ट ही करनी पड़ती है। और एक बैग और रह गया भाई साइड में पड़ा हुआ, तो इससे भी मैं थोड़ा बहुत सामान ले लेता हूँ। इसके अंदर टेप मुझे मिल चुके, ठीक है भाई, टेप का भी बहुत ज्यादा रोल है इस गेम में। और इसको मैं बोल देता हूँ भाई तू ऐसा कर, लॉग लेके आ और हमारे होल्डर को फिल कर दे भाई, क्योंकि लॉक्स का ना बहुत ज्यादा काम है। अरे यार पहले तो तू भाई कैबिन ऐसा कर, मेरे पीछे आ, क्योंकि होल्डर ना इससे दूर है तो ये मेरी बात नहीं मानेगा होल्डर को लेके। और सामने एक सेकंड वो लाश है भाई या फिर क्या है? अच्छा लाश है, टंगी हुई है पेड़ से, ठीक है। वैसे सही बताऊं ना पहले यहाँ पे लाशें नहीं थी, ये लाशें भाई अभी आई है। शायद ये ना भाई एक तरह से वार्निंग है कि मैंने ना इनके काफी ज्यादा साथियों को मार दिया, तो मुझे तैयार रहना चाहिए, ये भी कभी भी हमला कर सकते हैं। वैसे ओ भाई कितने ज्यादा लोग आ रहे हैं अब तो यार, इतनी जल्दी हमला क्यों कर रहे हैं ये? और इनकी शक्ल देखो एक बार, भग जा बेटा, गन है मेरे पास, आ जा मेरी तरफ, आई जा तू, एक सेकंड, आ जा। मैं ऐसा करता हूँ अपने बो को भी रखूँ क्या? एक सेकंड मैं बो ले लेता हूँ पहले हाथ में, क्योंकि मुझे दूर से तो बो को ही चलाना पड़ेगा। ओ भाई कैबिन है, मैं डर गया था अभी।
जब मेरे ये ज्यादा पास आ जाएंगे ना तब मैं अपनी गन ले लूंगा हाथ में और भाई इतने ज्यादा ज्यादा हमला करेंगे तो मैं नहीं बच पाऊंगा इनसे। और आजा बेटा आजा, कितना लड़के निकल साले, इसके कंधे में घुस गया, खोपड़ी में घुस गया, हेडशॉट भाई, क्या ही प्यारा निशाना था मेरा। एक का तो गेम मैंने बजा दिया, अभी भी दो तीन बाकी हैं भाई। ये तो मेरा सोल्जर जैसा लग रहा है। अच्छा ये कैबिन है भाई, कैबिन है, कैबिन के ऊपर हमला कर रहे हैं। अबे तेरी ऐसी की तैसी, निकल साले। ओ ओ ओ ओ ओ, गुलाटी मार रहा साले, निकल तू। मर गया क्या? मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, ये मर गया, ठीक है। और एक और बच्चा भाई, निकल तू, हेडशॉट। ओ भाई कितना खतरनाक हो चुका हूँ, मैं प्रो प्रो हंटर बन चुका हूँ। लेकिन एक सेकंड, कौन आ रहा है भाई, कौन आ रहा है? झाड़ी के पीछे से मत आइए जो भी आ रहा है। पहले तो भाई सारे के सारे तीर में कलेक्ट कर लेता हूँ और इनकी डेड बॉडी को मैं बाद में उठाऊंगा, पहले सारे के सारे तीर मुझे जमा कर लेने चाहिए क्योंकि मुझे आगे भी फाइट लेनी भाई इनसे। और बढ़िया भाई मैं अपनी गन वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि भाई अगर मैं गोली वेस्ट कर दूंगा तो मैं गोली फिर से बना नहीं पाऊंगा। और इसके अंदर भाई कितने ज्यादा एरो लगे हुए हैं, तो सारे के सारे पहले तो मैं निकाल लेता हूं यहां से। और आज तो भाई मैंने काफी ज्यादा हंटिंग कर ली और इनकी लाशों को मैं नहीं जला रहा यार, क्या ही हड्डी कलेक्ट करूं भाई, मेरे पास बहुत ज्यादा हड्डी हो चुकी पहले से ही। और आगे जब भी मैं मारूंगा ना तो मैं और ज्यादा हड्डियां कलेक्ट कर लूंगा। फिलहाल तो मैं कैबिन को बोल देता हूं मेरे पीछे आ जा। आजा भाई, कैबिन कहाँ पे है? अबे कैबिन को मार के ले तो नहीं गए अपने साथ? पहले तो भाई मैं घर के अंदर चला जाता हूँ और ये वाला गेट तो मेरा लॉक है। और यार मैं सोच रहा था भाई सोलर पैनल से कुछ करूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है। और पहले तो मैं ऐसा करता हूँ एक होल्डर वगैरह और बना लूंगा भाई अपने लिए। मेरे पास शॉट गन की एमओ है क्या? उतनी शॉट गन की एमओ है, स्लग एमओ है और स्टन गन की एमओ है यार। पिस्टल की एमओ थोड़ी कम है और ये क्या चीज है, कंबाइन कर लेता हूँ इसको इसके साथ, ठीक है भाई। पिस्टल थोड़ी और ज्यादा बढ़िया हो चुकी है और रीलोड वगैरह देख भाई। एक तो एमओ कितनी पता नहीं चल पा रहा पिस्टल के अंदर, आई थिंक ये ना पिस्टल की एमओ, हाँ 9mm एमओ है ये राइफल की एमओ है। और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 गोलियां रह गई भाई पिस्टल की। शिट भाई, मुझे थोड़ा संभल के अब रहना पड़ेगा। और भाई मुझे ना इस गेम के अंदर और भी ज्यादा गन कलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर बहुत ज्यादा गन है। और मेरा कैबिन भाई पता नहीं बाहर क्या कर रहा है। एक सेकंड, अभी भाई मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ क्या? हाँ चढ़ सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ भाई, काम दे देता हूँ इसको मैं, गेट लॉक्स लेके आ जा तू बहुत सारे और मेरे होल्डर को ना तू फिल कर दे, ठीक है, जिससे भाई मैं अपनी दीवार को पूरा मजबूत बना दूंगा और बड़ी बना दूंगा, ठीक है। बाकी भाई ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा बहुत फिर से कोशिश करता हूँ बल्ब को लगाने की। भाई बल्ब को लगाने की जगह, अबे यार हड्डियां भाई देखो कितनी ज्यादा हड्डियां हो गई यहाँ पे, तो ठीक है पहले तो भाई सारी की सारी, अरे यार सारी की सारी मैक्स कर दी मैंने। और पता नहीं भाई बल्ब को मैं कैसे लटकाऊंगा, मतलब देखो भाई मैं काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बल्ब को लटका ही नहीं पा रहा। ऐसा करता हूँ मैं फिर से वायरिंग करने की कोशिश करता हूँ, एक वायर में यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। और इसको ले जाता हूँ मैं, कहाँ पे ले जाऊँ भाई इसको, मैं ले जाऊँ यहाँ पे ले जाऊँ या फिर कहाँ पे ले जाऊँ, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है। और बल्ब लटका के देखता हूँ मैं, कहीं बल्ब लटकेगा क्या भाई? बल्ब नहीं लटक रहा यार कहीं भी, पता नहीं क्या दिक्कत है। और ये देखो भाई, पता नहीं मुझे शायद कोई ट्यूटोरियल वीडियो देखनी पड़ेगी भाई बल्ब कैसे लगाते हैं। वैसे आई थिंक सोलर पैनल है, बैटरी है तो बल्ब तो लग जाना चाहिए क्योंकि पावर तो है मेरे पास, लेकिन पता नहीं भाई बल्ब क्यों नहीं लगा पा रहा हूं मैं। बल्ब को लटकाने वाला कोई सिस्टम होगा आई थिंक। और एक बार ना मैं इस घर के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। और एक सेकंड, इसके अंदर जाने में ना मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही है भाई, तो मुझे ना लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं पहले तो बल्ब को रख दे अंदर और यहाँ से ना दो लॉक्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है, दो से ही काम चल जाएगा। और अपने घर के बाहर ना दो लॉक्स में लगा देता हूँ कुछ ऐसे ऐसे। अब ना मुझे दो लॉक्स की और जरूरत पड़ने वाली है यार, मुझे अपनी दीवार को तोड़ना पड़ेगा, तो ठीक है मैं तोड़ लेता हूँ, कोई नहीं बाद में मैं इसको ठीक कर दूंगा। और यहाँ पे ना मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा थोड़े रैंप टाइप, जिसके ऊपर चढ़ के ना मैं जा सकूँ अपने घर के अंदर, ठीक है। और विंडोज भी है तो ठीक है, बढ़िया भाई बढ़िया, घर मेरा काफी ज्यादा शानदार बन चुका है। और यार ये देखो भाई फिर से आ चुके हैं यार, क्या करूँ फिर से ना भाई, मैं अपना बो निकाल लेता हूँ, बो रहेगा ना हाथ में। और भाई मेरा पानी का लेवल थोड़ा कम हो चुका है, पहले थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ मैं, ठीक है। पानी वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है भाई, ये क्या है, प्रिंटर की शाही है क्या शायद? ओ प्रिंटर की शाही मुझे मिल चुकी है, कुकिंग पॉट भी है मेरे पास, ये रेडियो वगैरह भी है मेरे पास, ये मेडिसिन खा लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। और सीपी वगैरह पड़ी है ना एक, इसको भी खा लेता हूँ, ठीक है, इससे ना थोड़ी थ्रस्ट लेवल ठीक हो जाएगा। और एक घड़ी वगैरह भी बहुत कुछ बना सकता हूँ भाई इस गेम के अंदर, मतलब इस घड़ी वगैरह का क्या रोल है। और ये भी पड़ी हुई है ना भाई, इनको भी खा लेता हूँ, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ भाई, बो ले लेता हूँ हाथ में, बोन एरो लगे हुए हैं, उतरी इसको लगा लॉक करते, ठीक है। और एक बार ना देख लेता हूँ भाई ये अंदर आ सकते या फिर नहीं आ सकते। और इसकी ना मैं छत पे चढ़ जाता हूँ, छत पे चढ़ जा भाई, चढ़ जा, अबे छत पे चढ़ गधे। और किधर है, ये रहा, और निकल साले। ओ भाई क्या ही निशाना मेरा, और फिर से गया इसके तो पड़े में भी मार दो दो चार, ठीक है भाई ये खत्म हो चुका है, बढ़िया। एक ही आया था क्या? एक सेकंड में देख लेता हूँ भाई, और भी तो नहीं है इधर? नहीं और नहीं है भाई, आई थिंक भाई एक ही था। तो पहले तो भाई मैं सारे के सारे, इसके पास क्या है भाई, ये क्या चीज है यार, ये क्या चीज थी यार, ये मुझे देखना पड़ेगा भाई, मुझे देखना पड़ेगा क्या चीज थी वो। और इससे ना मैं बोन ले लेता हूँ। और इनको तो भाई मैंने लॉक कर दिया ना घर को, तो मुझे कूद के जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भाई मैं इसकी डेड बॉडी फेंक देता हूँ। और एक बार ना मैं अपनी देख लेता हूँ खोल के, मुझे डायरी टाइप का कुछ मिला था, ये पाउच मिला मुझे लेदर का, पता नहीं भाई क्या चीज है, इसको मैं खोल सकता हूँ क्या?
एक सेकंड ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर भाई क्या मिलने वाला है? ओ इसके अंदर मेरे को दवाइयां मिल चुकी है, ठीक है। और ये क्या भाई, खा लेता हूँ इसको, क्या चीज है पता नहीं, इसको भी खा लेता हूँ। और टेप को तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया भाई बढ़िया, बहुत ज्यादा शानदार काम कर रहा हूँ मैं अब तो। और कैबिन भी देखो भाई, काफी ज्यादा लकड़ी लेके आ रहा है, लेकिन ये घुस कहाँ से रहा है? आई थिंक ये यहीं से फेंक देता। ओ ये तो बढ़िया भाई, बढ़िया काम कर रहा है कैबिन, कैबिन के कहने नहीं है कुछ भाई, कैबिन क्या ही मस्त काम कर रहा है क्या बताऊँ। और अपनी टूटी हुई दीवार को ना मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ से। अब ना मुझे शायद भाई चार चार की और दीवारें लगानी पड़ेंगी अगर मुझे सेफ फील करना है तो। और इसको ना मैं हटा देता हूँ तार को, क्योंकि भाई तार का ना कोई रोल नहीं है इधर। अभी ना ऐसा करता हूँ, सोलर पैनल से ना बैटरी को फुल चार्ज हो जाने देता हूँ, उसके बाद भाई मैं देख लूंगा बल्ब वगैरह मुझे कैसे लगाना है, क्योंकि अगर बल्ब वगैरह लग जाएगा ना फिर ना भाई मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रात के टाइम भी मैं बढ़िया काम कर सकता हूँ। और एक बार ना मैं अपने पॉट को भी हाथ में लेके देख लेता हूँ भाई, इस पॉट से मैं क्या बना सकता हूँ, इसको मैं कहाँ रखूँ, इसके ऊपर मैं रख सकता हूँ क्या, ऊपर? ओ भाई मैंने पॉट इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। और ये क्या चीज है भाई, क्या है भाई ये? पॉट तो मैंने रख दिया, लेकिन थोड़ी सी ना मुझे ऐसा लगता है इधर लकड़ियों की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसके अंदर मुझे आई थिंक लकड़ियां रख देनी चाहिए। पहले तो भाई पॉट को उठाता हूँ यहाँ से, एक बार ना मैं रेसिपी देख लेता हूँ पॉट की। यार भाई पॉट के लिए ना मुझे शायद पानी की जरूरत पड़ने वाली है यार, मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगा भाई बिना पानी के, तो ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ से ना भाई मैं अपने बोन फायर को उठाने ही वाला हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे ना मैं ढंग से कुकिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे ना भाई ये कोई ज्यादा बढ़िया जगह पे रखना चाहिए। आई थिंक मैं इस वाले स्पेस का ना बिल्कुल यूज नहीं करता, तो मुझे इस वाली जगह पे बोन फायर बना लेना चाहिए नया। तो उसके लिए भाई मुझे बस सूखी लकड़ियों की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये वाला आई थिंक ठीक रहेगा, या फिर भाई मैं इस वाली जगह पे बना लूं। मैं ना भाई इस वाली जगह पे अपना बोन फायर बना देता हूँ, यहाँ पे तो शायद मुझे जरूरत नहीं पड़ती भाई, पता नहीं मैं कहाँ बनाऊँ। वैसे तो ये वाली जगह भी ठीक थी, लेकिन एक सेकंड इसको ना मैं ढंग से बनाने वाला हूँ फिर से। पहले ना सारी की सारी चीजें मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, तू भी जा यहाँ से, ठीक है निकल। और भाई ये देखो सारा का सारा सामान ना फुल हो चुका है, तो इसलिए ना ये उठ नहीं रहा है, तो तू जा यहाँ से, ठीक है। ये लकड़ियाँ यहाँ पे हो जाएंगी ना, तो यहाँ पे मैं बोन फायर अपना बना लेता हूँ फिर से, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे, और भी लकड़ियाँ रख देता हूँ, ठीक है। नहीं यार लाइट तो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ना पत्थर लगाने की जरूरत है इसके चारों तरफ, तो पहले तो भाई पत्थर ले लेता हूँ हाथ में, ठीक है। और इसके ना चारों तरफ भाई मुझे पत्थर लगाने हैं, तो पत्थर भी मैं लगा देता हूँ, बढ़िया तरीके से लग चुके भाई, ठीक है। और अब ना भाई मुझे इसके अंदर लगानी है आग, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, बढ़िया भाई बढ़िया। नया बोन फायर कितना ज्यादा मस्त लग रहा है क्या बताऊँ। बाकी भाई हड्डियाँ वगैरह देखो कितनी ज्यादा जमा हो रखी है, और पत्थर वगैरह मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा पत्थर मेरे खर्च हो गए ना। ये हड्डियाँ वगैरह यार भाई मैं फिर से ना एक बार, इसका क्या काम है एक बार देख लेता हूँ, इसके अंदर मैं लगा देता हूँ कुछ लकड़ियाँ तोड़ के, ठीक है। ये लकड़ियाँ भाई मेरे यहाँ काम आ जाएंगी, बढ़िया। कुछ भी चीज़ भाई बेच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ना ज्यादा देर तक जलने वाला है, और एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे पास मीट वगैरह पड़ा है कुछ, भाई मीट तो नहीं है लेकिन पानी की कमी हो रही है भाई बहुत जल्दी जल्दी, तो पानी तो है ना बोतल के अंदर, तो पानी पी लेता हूँ। वैसे भी भाई पीछे मैं देख के आ चुका हूँ झरना पीछे ही है, तो मैं पानी भर के ले आया करूंगा बाद में। पॉट के अंदर भाई मैं अपनी बोतल से भी तो पानी भर सकता था ना, लेकिन ठीक है बाद में मैं भर के देख लूंगा, अभी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। इसकी बॉच की रेसिपी देख लेता हूँ, बॉच से क्या बना सकता हूँ मैं, स्टिकी बॉम्ब बना सकता हूँ भाई मैं इससे। ओ तभी बॉच का काम है भाई इसमें। एक बार मैं खोपड़ी ले लेता हूँ हाथ में, खोपड़ी से क्या बना सकता हूँ, खोपड़ी से सिर्फ और सिर्फ ये बना सकता हूँ भाई, ये पता नहीं क्या चीज़ है, हैमर टाइप का कुछ लग रहा है। पैसे से तो आग जलाई रखने के लिए शायद पैसा था, क्योंकि और तो इधर ट्रेडिंग वगैरह होगी नहीं। टॉर्च वगैरह का तो फ्लैशलाइट है, इधर मुझे सेल वगैरह डालने पड़ेंगे। वैसे तो इसकी अभी बैटरी ठीक ठाक है तो नहीं। रोप वगैरह, ये जिपलाइन रोप है मेरे पास, लेकिन इसको मैं यूज कैसे करूँ भाई, अभी तक ना मैंने इसको यूज करके नहीं देखा, इस बार मैं यूज करके देखूंगा इसको, पता नहीं भाई कैसे यूज करेगा इसको। ये हेड वगैरह है, और ये ना मैं पिछली बार बना के आया था भाई लैब से, तो इसका क्या काम है एक बार देख लेता हूँ। टैक आर्मर में बना सकता हूँ, ठीक है। टेप में ले लेता हूँ, ऑलराइट। और मुझे चाहिए चाकू चाहिए, ऑलराइट। मुझे दो लकड़ियां चाहिए, ठीक है। अब मैं शायद इसका आर्मर बना सकता हूँ, ओ भाई तगड़ी चीज बनने वाली है तो। और ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया, स्पीयर बन गया यार ये तो। मुझे आर्मर बनाना था भाई, आर्मर बनाने के लिए मुझे तार चाहिए, ठीक है तार ले लिया मैंने। बाकी भाई टेक का आर्मर किधर है, मुझे टेप चाहिए, टेप ले लिया मैंने, ऑल राइट। मुझे ये चाहिए, ये क्या है, ये चाहिए, ठीक है। और दो सेल चाहिए मुझे, सेल में ले लेता हूँ, ठीक है। टेक का आर्मर भी बन जाएगा भाई, बढ़िया बढ़िया। टेक का आर्मर तो तगड़ी चीज बनने वाली है, और इसको मैं पहन लेता हूँ अपने दाएं हाथ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। दाएं हाथ पे पहन लिया ना मैंने, ओ भाई अब तो मेरे दो लेवल का बढ़ चुका है आर्मर लेवल, मतलब अब तो भाई कोई भी आ जाए मेरे सामने उसकी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। बाकी ना थोड़ा इधर माहौल शांत हो चुका है, क्योंकि अब ना भाई मैं ज्यादा से ज्यादा मारने लग गया हूँ आदिवासियों को, तो भाई वो ना डर की वजह से इधर आ नहीं रहे। और एक बार मैं ऐसा करता हूँ अपनी कुल्हाड़ी अपने हाथ में ले लेता हूँ, और यहाँ पे भाई लॉक जमा हो चुके हैं ना, तो एक एक दीवार ना भाई मैं और ऊपर करने वाला हूँ। तो पहले शुरू करता हूँ मैं साइड से करूँ या फ्रंट से करूँ, भाई मुझे ना फ्रंट से करनी चाहिए पहले, तो फ्रंट से मैं लगाना शुरू कर देता हूँ। तो पहली दीवार आ जाएगी यहाँ पे, ऑल राइट। और दूसरी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बीच में दो और लगने वाले ना, यार ये पत्थर क्यों ले रखा है मैंने, यहाँ से मैं दो लॉक्स और ले लेता हूँ हाथ में, ठीक है। और इनको लगा देता हूँ इसके ऊपर और इसके ऊपर, भाई इधर तो काफी ज्यादा ऊंची लग रही है ना ये, लेकिन इसको ना अभी मैं चार लेवल तक और उठाने वाला हूँ, मतलब बहुत ज्यादा ऊंची
सच्ची में करने वाला हूँ इस दीवार को, तभी भाई मैं सेफ फील करूंगा। उससे पहले तो भाई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि भाई वो ना ऊंचे ऊंचे पेड़ पे आसानी से चढ़ जाते हैं, तो इस छोटे से बेस के ऊपर चढ़ना तो उनके लिए बच्चों का खेल होगा। और ये वाला ना मेरा टूट चुका भाई, तो मुझे ना ये फिर से जमाना पड़ेगा। पहले तो मैं इसके ऊपर रख देता हूँ ये, और ये खोल के ना, और ये भी तोड़ चुके भाई, ये भी तोड़ चुके यार, ये सारा का सारा मुझे ना फिर से लगाना पड़ेगा। शिट, तो इसके ऊपर मैं रख देता हूँ ये और ये वाला, ठीक है। ये अब रिपेयर हो चुका है ना, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और इनके ऊपर जमा देता हूँ मैं एक एक और, यहाँ पे आ जाएगी ये, ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। बहुत जल्दी जल्दी मेरी बॉल बन रही है ना, ठीक है। और अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं और भी क्या क्या चीजें बना सकता हूँ इस गेम के अंदर। वैसे तो बहुत कुछ बना सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है इतना ही काफी है। और आज के दिन भाई हमने काफी ज्यादा कुछ किया, मतलब आदिवासी तो इतने ज्यादा लपेट दिए, क्या बताऊँ भाई, बहुत ज्यादा हमने पीटा उनको। शुरुआत में तो भाई इतना ज्यादा डर लग रहा था, क्या बताऊँ, लेकिन अब तो भाई इस आइलैंड के हम यूज टू हो चुके हैं, प्रो हो चुके हैं, अब भाई उनसे इतना ज्यादा डर नहीं लगता। और आज भाई सही बताऊँ ना, मेरा मेन टारगेट था उस वाली गुफा को मैं एक्सप्लोर करूँ, लेकिन सही बताऊँ मैं रात को नहीं खेल रहा होता तो पक्का करता। लेकिन अगली वीडियो में भाई हम देखेंगे कि उसके अंदर आखिर क्या है। बाकी भाई आदिवासियों के हम बेस भी ढूंढेंगे, उनको ना भाई हम बेस पे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, जिससे ना भाई एक तरह से खतरा ही टल जाएगा, फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई वो सारे के सारे काम करेंगे हम अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो भाई आप लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।